નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. વાપીની જાણીતા અંગ્રેજી માધ્યમિક શાળા એવી આરએસ ઝુંઝુનવાલા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં શનિવારે સાંજે આલ્મા ફિસ્ટ યુરોપિયા 2023ના બેનર હેઠળ એન્યુઅલ ડેનો રંગારંગ કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં રાજ્યના નાના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ પ્રધાન કનુ દેસાઈ, સીકર, રાજસ્થાનના સાંસદ સ્વામી સુદેલાનંદ સહિતના મહાનુભાવોના હસ્તે શાળાનું નામ રોશન કરનાર વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. એન્યુઅલ ડે નિમિત્તે શાળાના 550 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ડાન્સ સાથેના રંગારંગ કાર્યક્રમની પ્રસ્તુતિ કરી સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કર્યા. मेरा शिक्षा से ही संबंध रहा है. मैंने पिछले 40 साल एजुकेशन के लिए किए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया कि भविष्य हमारे देश का छात्र है, युवा है, बच्चे हैं, आने वाला भारत वही है. यदि हम उनका ठीक ठीक निर्माण करेंगे, उनको शिक्षित और संस्कारित करेंगे, तभी देश का भविष्य सुधरेगा. तो शिक्षा मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यकता है. इस अनुभूति को देखते हुए ही मैं यहाँ पर आया. और नीलेश जी, आरएस झुंझुनवाला एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है का है. और नई शिक्षा नीति में भी इसलिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा जो सीख लेगा वो और किसी लैंग्वेज में नहीं सीख सकता. और मैंने मेरे जीवन के 25 साल बच्चों में मोटिवेशन में लगाए. आज भी अभी नया वर्ष शुरू हुआ तो सीकर के 99% एजुकेशन ने सुबह जब रात का 12 से हम नए वर्ष में प्रवेश हुए, तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई गायत्री पाठ कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई गीता के मंत्र श्लोक पढ़ रहा है, कोई वेद के मंत्र पढ़ रहा है. इसलिए ये आवश्यक है कि हम बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान न कराएं, उनको मोटिवेट करें, उनको आत्मिक शक्ति दें, उनको विल पावर दें और अपनी प्राचीन संस्कृति से अवगत कराएंगे तो सुसाइड नहीं होगा. कि पिछले दिनों जब अधिकारियों पर छापे पड़ने लगे और उन अधिकारियों के तय में जाने लगे, तो उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम आने शुरू हो गए और नेताओं में भी कांग्रेस के नेताओं के नाम शुरू हो गए. जैसे पेपर लीक आउट हुए, तो पेपर लीक कहाँ से होगा? पेपर लीक तो सरकारी हाथों से होगा भाई. किसी स्टूडेंट के पास पेपर कहाँ से आएगा? पेपर का नियंत्रण किसके पास है? सरकार के पास है. जब स्टूडेंट को पकड़ोगे, आउट करने वाले को पकड़ोगे, तो आँच पहुँचेगी अधिकारियों तक, अधिकारियों के पीछे खड़ा मिलेगा आपको नेता. इसलिए उनकी पहचान को छिपा लो. तो अपने खाल बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अधिकारियों के माध्यम से इस प्रकार का एक आदेश माननीय गहलोत जी लेकर के आए और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण उनको विड्रॉ करना पड़ा, उसको विड्रॉ करना पड़ा आदेश को. कोशिश थी उनकी कि हम बच करके निकलें, लेकिन भाजपा चोरों को बच करके नहीं निकलने देगी. यस सर, सर एक्चुअली आज हमने एल्मा फिएस्टा यूफोरिया 2023 एनुअल डे सेलिब्रेट किया बच्चों का, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल डे रहा. आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट की तरह श्री कनुभाई देसाई एमएलए पार्टी एंड फिनेंस मिनिस्टर ऑफ गुजरात आज प्रेजेंट थे. देन हमारे साथ श्री स्वामी सुमेधानंद सरस्वती एमपी सीकर भी साथ में थे एंड रमनलाल पाटकर एंड और भी अदर इन्वाइटेड गेस्ट जो कि आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहे. एंड एल्मा फिएस्टा यूफोरिया 2023 एक्चुअली कोविड के लॉकडाउन के बाद, जब भी आज स्कूल्स प्रॉपरली ओपन है, उसके बाद ही हमारा एक पहला एनुअल डे है. सो इसका चार्म एक अलग ही था बच्चों और पेरेंट्स के लिए. सभी ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. बच्चों के काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस बनाए गए थे जो पेरेंट्स और सभी गेस्ट ने इंजॉय किए. एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आर ट्रस्टी मेम्बर्स एंड स्पेशली द मैनेजमेंट ट्रस्टी श्री नीलेश राठौर, जिन्होंने आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दी इस एल्मा फिएस्टा यूफोरिया 2023 को कंडक्ट करने के लिए. सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ आर एस झुंझुनवाला इंटरनेशनल स्कूल. थैंक यू.
सर इसमें ऑलमोस्ट पूरे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेटेड थे, करीब 50-60 बच्चों को छोड़ के, यानी कि करीब 550 जितने बच्चे आज स्टेज पर थे। तो ये एक अलग ही आनंद का अनुभव था सभी पेरेंट्स के लिए, बिकॉज सभी पेरेंट्स के बच्चे किसी न किसी वे में आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। तो जब इतने सारे बच्चे एक साथ स्टेज पे हो तो उन्हें देखने का आनंद एक अलग ही रहता है। सो आई एम सो हैप्पी दैट माई चिल्ड्रन डिड सो वेल एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ माई स्टाफ। सो वेल डन एंड बेस्ट विशेज टू ऑल माई टीम ऑफ आर एस झुंझुनवाला इंटरनेशनल स्कूल। शैक्षणिक संस्था પછી કોલેજ હોય સ્કૂલ હોય પોતાના વાર્ષિક ઉત્સવ ઉજવી રહી છે અને એના સંદર્ભે વિદ્યાર્થીઓએ અને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે સંસ્થાએ જે પ્રગતિ કરી એનો અહેવાલ પણ વાલીઓને આપતા હોય છે ત્યારે આજે આર એસ ઝુંઝુનવાલા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના અમારા વાપી નગરપાલિકાના સભ્ય શ્રી નિલેશભાઈ રાઠોડ અને એમની ટીમ જે આ ઝુંઝુનવાલા સ્કૂલ ચલાવે છે એના વાર્ષિકોત્સવમાં આજે હાજરી આપી નાના બાળકોનું અને જે રીતે વિદ્યાર્થીઓએ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે જ નહીં પરંતુ રમત ગમત અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં જે પ્રગતિ કરી છે એ સમગ્ર સ્ટાફને અને શાળાના સંચાલકોને અભિનંદન આપું છું અને આવીને આવી પ્રગતિ ઉત્તરોત્તર કરતા રહે એવી શુભેચ્છા આપું છું। ખાસ કરીને નવી શિક્ષણ નીતિ પણ અમલમાં આવી રહી છે, કેટલો બેનિફિટ થશે, શું ફાયદો થશે? નવી શિક્ષણ નીતિ જ્યારે ફૂલ્લી અમલમાં આવશે ત્યારે આપણા ભારતનું જે મેઇન ધરોહર છે એ બધાની સાથે રહીને બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ કેવી રીતે થાય એ રીતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ભારત એક વિશાળ દેશ છે, વિવિધ ભાષાઓ અને વિવિધ પ્રાંતોમાં વહેંચાયેલો છે, ત્યારે આવી એક શૈક્ષણિક નીતિનો અમલ કરવા માટે ઘણી ધીરજ જોઈએ અને એના માટે આપણી કેન્દ્રની સરકાર જે પ્રયત્ન કરી રહી છે એ ધન્યવાદને પાત્ર છે અને શિક્ષણ નીતિ સંપૂર્ણ રીતે અમલ થશે ત્યારે ભારત એક નવા ભારતના સજ્જન તરફ આગળ વધશે।